और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बुराड़ी से आ रही है, जहां एक ही घर में 11 लोगों के शव मिले हैं। 11 लोगों की मौत कैसे हुई अभी इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बात करते हैं संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव से। सौरभ, क्या वजह है और इसके पीछे क्या कोई सुराग मिल पाया है अभी तक? देखिए, अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है या ये सुसाइड का मामला है। लेकिन हैरत करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 11 लोगों की लाश अगर एक घर में मिलती है तो अपने आप में ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात, इसमें से 7 महिलाएं और 4 पुरुष हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों के आंख पे पट्टी बंधी हुई थी। तो इस वजह, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अगर ये सुसाइड भी है तो पहले क्या इन लोगों ने आंख पे पट्टी डाल करके सुसाइड किया है या इनको किसी ने जहर दे दिया है? तो ये अभी सारी बात अभी तफ्तीश की है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच रही है और अभी पूरी तरीके से जांच अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। पहले शवों को अब भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद से फिर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सौरभ, लेकिन पहली बार जो भी आपने जिसने भी देखा होगा इनकी बॉडीज को, क्या इनके शवों पर कोई चोट के निशान मिले, कोई किसी तरह के कुछ ऐसी चीजें दिखी गई है? देखिए, जैसे कि प्रथम दृष्टया जांच में और अभी इनके अभी कोई बॉडी पर कोई चोट के निशान तो अभी दिख नहीं रहे हैं। अगर कोई अंदरूनी चोट के निशान होंगे तो वो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल पाएगा। लेकिन अभी पहली बार तो जिस घर में यहाँ पर लाश मिली है वहां पर पूरे इलाके में कॉर्न ऑफ कर दिया गया है। अभी अंदर में पूरी तरीके से मीडिया को भी जाने को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम आपके पास अपडेट के लिए आगे आएंगे।